जायनेस दलाई लामा ने एक बार कहा था कि साल में एक बार एक ऐसे जगह पे जरूर जाइए जहाँ पे आप पहले नहीं गए हैं। तो कैसा होगा अगर हम घूमने के लिए इस बार चलें उन्हीं के ही शहर में, लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप सबका स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रेवल्स में। मैं अभी जा रहा हूं पठानकोट से धर्मशाला और दूरी है 85 किलोमीटर्स। धर्मशाला के लिए बसेस आपको न्यू दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी और मजनू का टीला से, उसके अलावा चंडीगढ़, शिमला, मनाली और हिमाचल प्रदेश के हर बड़े शहरों से आसानी से मिल जाते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट में, जहाँ से होके काफी सारे ट्रेन गुजरते हैं। धर्मशाला से ही बस 13 किलोमीटर दूर गग्गल में है कांगड़ा एयरपोर्ट, जहां से अलायंस एयर के फ्लाइट्स रन करते हैं न्यू दिल्ली और शिमला से धर्मशाला के लिए। दोस्तों, मेरे साथ इस सफर और आने वाले हर सफर में जुड़ने के लिए और इस चैनल के सपोर्ट के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टाइम चाहिए कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। प्लेन्स की गर्मी से बचने के लिए आप मार्च से जून के बीच धर्मशाला आ सकते हैं, जब मौसम काफी प्लेजेंट होता है। अगर मेरी तरह आपको ठंड पसंद है तो अक्टूबर से लेके फरवरी के मंथ तक आपके लिए सही वक्त है। दिसंबर से लेके फरवरी तक यानी अब आपको यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। होटल्स के प्राइस की बात करें तो डिसेंट रूम्स 1000 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं, पर सिटी सेंटर में ये रेट आप 2000 रुपए मान के चलिए। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज को बैकपैकर्स पैराडाइज कहा जाता है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे काफी सारे हॉस्टल्स भी हैं। हेलो दोस्तों, मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं हूँ अपने होटल रूम में और मैं हूँ इस बार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और सुबह के 10 बज रहे हैं, तो एक रूम टूर देता हूँ फटाफट से और फिर निकल पड़ते हैं धर्मशाला को और मैक्लियोडगंज को एक्सप्लोर करने। दोस्तों, यह है होटल सीता पैलेस, जो कि बस स्टैंड और मेन मार्केट के पास मेन रोड के साइड पे ही है। मुझे इसके देने पड़े 2000 रुपए 2 दिन के लिए। बजट या फिर सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये एक डिसेंट ऑप्शन है। निकल पड़ते हैं यहाँ की साइट सीइंग के लिए, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में, जो कि मेरे होटल के बिल्कुल पास ही था, मतलब 100 मीटर की दूरी पे है ये म्यूजियम। चल के देखते हैं, कांगड़ा के बारे में जानते हैं क्योंकि हम अभी हैं कांगड़ा जिले में। साल 1990 में बने इस म्यूजियम में आपको 1500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं 12 मासा, नायिका और रागमाला पेंटिंग्स, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल और रॉयल ड्रेसेस और हाउसहोल्ड में यूज होने वाले चीजें। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में पास्ट के आर्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया ये म्यूजियम मंडे को बंद रहता है। इसे घूमने के लिए लगता है 20 से 25 मिनट का समय और इंडियंस के लिए एंट्री फी है 50 रुपए। धर्मशाला की बात हो और क्रिकेट की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस हिल स्टेशन के पास है इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने वाला दुनिया का सबसे हाई अल्टीट्यूड वाला स्टेडियम, और सुंदरता का भी कोई पैरामीटर होता तब भी ये स्टेडियम उसमें सबसे ऊपर आता। 21,000 की सीटिंग कैपेसिटी वाला HPCA का स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के रणजी टीम का होम ग्राउंड तो है ही, साथ ही साथ ही IPL टीम पंजाब किंग्स, जो पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करता था, उनका भी होम ग्राउंड है। साल 2010 में यहाँ पर पहली बार IPL मैचेस खेले गए थे। फिर जनवरी 2013 में यहाँ पर पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था, मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। फिर साल 2016 में हुए T20 वर्ल्ड कप के 7 मैचेस को होस्ट किया स्टेडियम ने, पर इंडिया का एक भी मैच नहीं था। अगले साल यानी 2017 में यहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर आया साल 2023, जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, जिनमें से 5 मैचेस इसी स्टेडियम में खेले गए थे, जिनमें से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक इंटरेस्टिंग मैच भी शामिल है। धर्मशाला का पिच बैट्समैन और बॉलर सबके लिए फेवरेबल है, जैसा कि स्टेडियम टूरिस्ट और क्रिकेट फैंस सबका फेवरेट है। अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एक 30 रुपए का टिकट लेना होता है।
स्टेडियम से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है हिमाचल प्रदेश स्टेट वॉर मेमोरियल। ये मेमोरियल समर्पित है 1947-48 में पाकिस्तान, 1962 में चाइना, 1965-71 और 99 में पाकिस्तान के साथ लड़े गए वॉर्स, श्रीलंका में पीस ऑपरेशंस और यूएन के कुछ ऑपरेशंस के दौरान शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों को। आर्मी के 3 विंग्स के उन सभी जवानों के नाम यहाँ पे इंस्क्राइब किए गए हैं। उन सभी को श्रद्धांजलि देने यहाँ पे जरूर आए। आइए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा शहर को तो नहीं एक्सप्लोर करेंगे, चलते हैं द हिस्टोरिक अर्ली मिडिल एजेस के कांगड़ा फोर्ट पे। ये हिमालयस का सबसे बड़ा और पॉसिबली भारत का सबसे पुराना फोर्ट है। इसका जिक्र त्रिगर्त राज्य के नाम पे महाभारत और रामायण में भी किया गया है, जिसे कटोत वंश के राजा भूमिचंद ने बनवाया था। अलग अलग समय पे इसे नगर कोट, कोट कांगड़ा और सुशर्मापुर भी कहा गया है। इस फोर्ट से मिलने वाले सबूत से ये पता लगा है कि इसे 9th से 10th सेंचुरी एडी या फिर उससे पहले बनाया गया है, उसके बाद नहीं। पर हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र आता है साल 1009 में जाके, जब महमूद गजनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। साल 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस जगह पे आक्रमण किया था 10,000 सैनिकों को लेके, पर तब के राजा पृथ्वीचंद ने उन्हें फिर भी हरा दिया था और उन 10,000 सैनिकों में से शायद 10 ही बच पाए थे। फिर साल 1610 में इसे जहांगीर ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर राजा संसार चंद के समय पे कांगड़ा फिर से समृद्ध हुआ और उसके बाद से कटोच वंश के राजाओं की क्षमता कम होने लगी और साल 1846 में ये सारा एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला गया। साल 1947 तक साल 1905 में हुए कांगड़ा अर्थक्वेक, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, इस फोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा था। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मेंटेनेंस करता है। इसे घूमने के लिए लगते हैं 1.5 से 2 घंटे और एंट्री फी है ₹25। कांगड़ा फोर्ट के बाद आप दर्शन करने जा सकते हैं माता ज्वाला जी का, जिसके लिए आपको जाना होगा ज्वालामुखी नाम के जगह पे, जो कांगड़ा से 34 किलोमीटर दूर है। लोकल बसेस धर्मशाला और यहाँ तक कि दिल्ली से भी डायरेक्ट बसेस मिल जाते हैं ज्वाला जी के लिए। ज्वालामुखी बस स्टैंड से 700 से 800 मीटर यानी वॉकेबल डिस्टेंस पे कालीधर पहाड़ी के ऊपर स्थित है माँ ज्वाला जी का मंदिर, जो भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सुदर्शन चक्र से बिखंडित होकर माता सती की जीव इसी जगह पे गिरी थी। ज्वाला जी यहाँ पे एक ज्योति के स्वरूप में पूजी जाती हैं, जो निरंतर जलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि यह पांडवों द्वारा बनाया गया पहला मंदिर है। हालांकि अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे साल 1835 में बनाया गया था। मुख्य मंदिर में कई सारे जगहों पे निरंतर ज्योति जलती रहती है, जिसका कारण लाख कोशिशों बाद भी आज तक नहीं पता चल पाया है। ऐसे ही एक और शक्तिपीठ है धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर पालमपुर के रास्ते, जहां पूजी जाती हैं माँ चामुंडा देवी, जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब जय माँ ज्वालामुखी कह के वापस चलते हैं धर्मशाला की तरफ। मैं अब आके पहुंच गया हूँ द टिबेट म्यूजियम में। ये साल 1998 से मैक्लियोडगंज में था, पर 2022 से इसे धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया है। इस म्यूजियम का एम ये है कि टिबेटियंस और नॉन टिबेटियंस को टिबेट के रीसेंट हिस्ट्री और खास करके चाइना ने टिबेट को अपने कब्जे में कैसे ले लिया, उसके बारे में पता चले। इस म्यूजियम का मकसद है ग्लोबल कम्युनिटी को एजुकेट करना कि चाइना की कम्युनिटी पार्टी ने कैसे टिबेट के लोगों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। इसके अलावा टिबेटियन फ्रीडम मूवमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में काफी जानकारी मिलती है इस म्यूजियम से। एंट्री फी है ₹20 और समय चाहिए 30 से 45 मिनट। आगे बढ़ने से पहले इंडिया टिबेट रिलेशन और हिज हाइनेस दलाई लामा और उनका धर्मशाला के साथ क्या कनेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया और टिबेट का रिलेशन शुरू होता है करीब 1800 साल पहले, जब बुद्धिज्म इंडिया से जाके टिबेट में विस्तार होता है। साल 1910 में किंग डायनेस्टी के टिबेट के कैपिटल ल्हासा ऑक्यूपाई करने की वजह से दलाई लामा 13 को इंडिया आना पड़ा था और वो यहाँ 3 साल रहे थे, जब तक टिबेट में हालात ठीक नहीं हो गए। फिर साल 1959 तक हालत काफी खराब हो चुके थे। हिज हाइनेस दलाई लामा 14 को मजबूरन टिबेट छोड़कर इंडिया आना पड़ता है और वो बस जाते हैं धर्मशाला में।
द सेंट्रल टिबेटियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया जाता है उसी साल, जिसका हेडक्वार्टर धर्मशाला को ही बनाया जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटियन सेटलमेंट है धर्मशाला में, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। लोअर पार्ट को तो धर्मशाला कहा जाता है, अपर पार्ट को कहा जाता है मैक्लियोडगंज। तो वीडियो के इस पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे मैक्लियोडगंज को। इसका नाम रखा गया है पंजाब के एक लेफ्टिनेंट डोनल्ड फ्रियल मैक्लियोड के नाम पे, और इसको लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है, क्योंकि ये धर्मशाला का वो पार्ट है जहाँ रहते हैं हिज हाइनेस दलाई लामा 14th। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज के बीच की दूरी है 5.5 किलोमीटर, पर अल्टीट्यूड की बात करें तो फर्क है करीब 2000 फीट या 625 मीटर। इन दोनों जगहों के बीच बसेस तो हर आधे घंटे में मिलते रहते हैं, पर दोस्तों हम आज ट्राई करने वाले हैं धर्मशाला स्काईवे सर्विस की। इस रोपवे सर्विस में कवर किया जाता है 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस। टाइम लगता है कुछ 10 मिनट। टोटल गोंडोलाज हैं 18 और एक घंटे में करीब 1000 लोगों को कैरी किया जा सकता है। फेयर की बात करें तो एज ऑफ जनवरी 2024 वन वे का टिकट प्राइस है 475 रुपीज और राउंड ट्रिप का है 650 रुपीज। ऐसा कितनी बार होता है कि आप एक रोपवे सर्विस यूज कर रहे हैं और उसमें अकेले आप बैठे हैं? तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैंने वन वे का टिकट लिया है 450 का और टू वे का होता है 675 रुपीस। कुछ रूल्स हैं जैसे कि आप बीच में अपने जगह चेंज नहीं कर सकते, या फिर इधर उधर होके फोटो या फिर वीडियो के लिए कुछ उत्पटांग ना कीजिए, मतलब ऐसा रूल है। और सबकी सेफ्टी के लिए वो रहा धर्मशाला HPCA क्रिकेट स्टेडियम। क्योंकि मैक्लियोडगंज में काफी टिबेटियंस रहते हैं, ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे काफी सारे मॉनेस्ट्रीज भी हैं। उनमें से सबसे मुख्य है सुगलखांग टेंपल कॉम्प्लेक्स, जिसे दलाई लामा टेंपल भी कहा जाता है, जिसके अंदर है टिबेटियंस के सबसे बड़ी टेंपल्स में से एक नामग्याल मॉनेस्ट्री, और हिज हाइनेस दलाई लामा यहीं पे रहते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं कालचक्र टेंपल, जो अपने मुराल्स और मंडला डिजाइन्स की वजह से जाना जाता है। आप चाहें तो यहाँ की टीचिंग्स और मेडिटेशन सेशंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप विजिट कर सकते हैं ग्यूतो मॉनेस्ट्री, जो वहाँ के टैंट्रिक रिचुअल्स की वजह से जाना जाता है। मॉन्क्स को यहाँ पे कठिन परीक्षाओं से होके गुजरना होता है। टिबेटियन हेरिटेज, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप धर्मशाला से 6 किलोमीटर दूर नॉर्बुलिंग का इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। अब मैक्लियोडगंज के मेन स्क्वायर से चलते हैं भागसुनाग वाटरफॉल, पर उससे पहले आता है भागसुनाग टेम्पल। इस प्राचीन मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ के लोकल राजा भागसू अपनी प्रजाओं की मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, एक 18,000 फीट ऊपर स्थित नागडल झील पे पहुँचते हैं और वहाँ से अपने कमंडल में झील का पूरा पानी लेके लौट रहे होते हैं। जब नाग देवता को ये बात पता चली, उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो राजा के साथ युद्ध करने के लिए चले आए। पराजित और आहत होने के बाद राजा की मृत्यु सुनिश्चित थी। तब उनपे किसी कारण से प्रसन्न होके नागदेवता ने उन्हें एक वर मांगने को कहा, जिसके बदले राजा ने कहा कि वो भी नागदेवता की तरह प्रसिद्ध होना चाहते हैं। नागदेवता ने कहा तथास्तु, और तब से इस जगह का नाम पड़ा भागसुनाग। अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे करीब 5000 साल पहले बनाया गया था राजा धर्माचंद के द्वारा। मंदिर में पूजे जाते हैं भगवान भोलेनाथ। Thank you.
मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो भक्सुनाक टेम्पल को, और उसके बाद तीन कुंड बनाए गए हैं, 1, 2, 3। तो जो तीसरा वाला कुंड है यहाँ पे आप नहा सकते हैं, और बाकी दोनों कुंड में नहीं नहा सकते। उसके टाइम भी लिखे गए हैं आप कब से कब तक नहा सकते हैं। और एक जो दूसरा वाला कुंड है वहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, वो अमृत तुल्य होता है और बहुत पुण्य मिलता है। तो मैंने भी थोड़ा सा पान किया और आप ये तीसरे वाले कुंड में नहा सकते हैं। और भक्सुनाक वाटरफॉल के लिए हमें इस तरफ जाना होगा, तो चलते हैं भक्सुनाक वाटरफॉल की तरफ। आपको भक्सुनाक मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर और हाइक करके आना होता है वाटरफॉल के लिए। रास्ते में कई सारे रिफ्रेशमेंट शॉप्स मिल जाएंगे। जरा क्राउड को तो देखिए आज कितनी है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता एक भी अच्छी फोटो या वीडियो आ पाएगी आज, पर माहौल और पानी काफी बढ़िया है। भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। आज वेंसडे का दिन है, फिर भी शायद हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो गया है। अच्छे से वीडियो लेना तो दूर, एक फ़ोटो भी बनाना मुश्किल है। तो निकलते हैं इसकी, यहाँ से ऊपर की तरफ है शिवा कैफे और इस रिश्ते से हम वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि खाली नहीं होने वाली ये जगह। तो निकलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की तरफ, नड्डी व्यू पॉइंट की तरफ इसको। तो मुझे भक्सुनाक वाटरफॉल में दो भाई मिले हैं। कहाँ कहाँ से आप लोग? हम जम्मू से। जम्मू से, क्या नाम है? मेरा नाम शिवांश है। शिवांश, आरव। आरव, तो बोले कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग, तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। दोस्तों नड्डी व्यू पॉइंट दरअसल है एक सनसेट पॉइंट, तो उसे हमेशा आखिर में रखें। आप उससे पहले जा सकते हैं डल लेक। 1775 मीटर्स के अल्टीट्यूड पर स्थित और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये लेक स्नोफॉल के दौरान काफी खूबसूरत बन जाता है। आप मैक्लियोडगंज से धर्मशाला जाते समय चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस में रुक सकते हैं। साल 1852 में बना ये चर्च नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है, जो अपने यूनिक स्टाइल की वजह से जाना जाता है। आप जब धर्मशाला का प्लान बना रहे हैं, आप कम से कम 4 जगहों पर रुक सकते हैं, जैसे कि धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, धर्मकोट और नड्डी। आप सबको कसौल के बारे में तो पता होगा, जिसे मिनी इसराइल कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि धर्मकोट को तेल अबीब हिल्स कहा जाता है? दरअसल यहाँ पे भी एक इसराइली पॉपुलेशन है। आखिर में दिन का एंड करें नड्डी में एक प्यारे से सनसेट के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपकी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। दिल से शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आखिर में याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वक्त है कर लेने का। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें घूमने का शौक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।